So hello guys, welcome to the episode number 7 of Indian Ecom. इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पेजेस एंड नेविगेशंस के बारे में. तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको सिखाया था थीम सेटअप के बारे में, ठीक है. तो उसमें हमने पूरा अपना थीम सेटअप किया था. अगर से आप नए हो और वो वीडियो नहीं देखा तो पिछले एपिसोड पे जाओ और वो एपिसोड भी देखो, और अगर से आप नए हो तो एपिसोड 1 से भी देखो, नहीं तो आपको ये चीज़ें नहीं समझेंगी जो मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है. तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पेजेस और नेविगेशंस के बारे में. तो पेजेस एंड नेविगेशंस क्या होता है, जैसे आप देखो, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको अबाउट अस के पेज दिखता है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, FAQs का, वो सारे पेजेस दिखते हैं, ठीक है. तो उसको कहते हैं पेजेस. वो कैसे डालना है, उनका क्या टेम्पलेट्स होना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. साथ ही साथ नेविगेशंस क्या होता है, नेविगेशंस मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए जो चीज़ होती है उसको नेविगेशंस कहते हैं, ठीक है. जैसे होम से कोई अगर से क्लिक करे अबाउट अस पे तो वहाँ पे जाना चाहिए, उसको कहते हैं हम नेविगेशंस, ठीक है. तो वो कैसे सेटअप करना है वो भी मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको. तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारे लैपटॉप में, ठीक है. तो अभी आप देख सकते हो लैपटॉप में मैंने ये सेक्शन ऑनलाइन स्टोर का सेक्शन खोल के रखा हुआ है. तो मैंने इसमें डोमेन कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है. डोमेन कैसे कनेक्ट करना है बताता हूँ. डोमेन्स में जाना है आपको सिंपल, ठीक है. डोमेन्स में जाने के बाद में यहाँ से आपको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो भी आपने गो रेडी से या फिर किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से आपने जो भी डोमेन बाय किया होगा वो आपको यहाँ पे डालना है और उसको कनेक्ट करना है. बहुत सिंपल होता है. यहाँ पे जैसे मैंने perfectpeak.in डाला था कल जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था, उसके बाद में वो अपने को रिडायरेक्ट करता है जहाँ पे भी आपने बाय किया वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है गोरेडी या फिर जो भी हो, और वहाँ से आपको अपना डोमेन क्लेम करना पड़ता है. वो इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, देखिए. तो अभी अगर से आप कुछ भी डालो, फॉर एग्जांपल perfectpeak.in डालो या फिर www.perfectpeak.in डालो या फिर perfect-peak.myshopify.com डालो, तो मेरा ही वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट आपके सामने खुल जाएंगे. इस तरह से हम डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अभी चलते हैं हम पेजेस पे. अपने को आज पेजेस और नेविगेशन देखना है, तो सबसे पहले चलते हैं हम पेजेस में, ठीक है. पेजेस में जाके अपने को ऐड पेज करना है, ठीक है. अभी यहाँ पे अपन डालने वाले, पहले कॉन्टैक्ट अस का पेज डालते हैं. कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है. कॉन्टैक्ट अस हो गया. कॉन्टैक्ट अस के लिए अपने को याद रखना है कि ये टेम्पलेट यहाँ पे पेज डॉट कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट लेना है. ये क्या होता है इसमें ज़्यादा डीप में मत घुसिए, लेकिन अपने को यहाँ पे पेज डॉट कॉन्टैक्ट का ही अपने को ये टेम्पलेट लेना है, ठीक है. बाकी चीज़ों के लिए अपने को पेज का ही लेना है. यहाँ पे पेज डॉट कॉन्टैक्ट का लेंगे हम लोग, ठीक है. उसके बाद में एक सेकेंड, ये मेरा, हाँ ये हो गया. अभी अपने को यहाँ पे पूरा डेटा डालना है कि वहाँ पे क्या लिखना चाहिए कॉन्टैक्ट अस में. तो सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे और मैंने ये कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी. बाय द वे, ये जो सारे टेम्पलेट्स मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स है मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है. और मैं ये अभी आपको पेज पे, मेरे स्क्रीन पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ. तो इस तरह से मैं वहाँ पे टेम्पलेट्स आपको दे दूंगा, ये सारे टेम्पलेट्स आप डाउनलोड करना, इसी को सेम कॉपी करके आप आपके वेबसाइट्स पे डाल सकते हो. और जहाँ पे आपको रेट दिखेगा, जैसे मैंने ये फोटोज़ में दिखाया हुआ है, जहाँ पे आपको रेट दिखेगा वहाँ पे आपके स्टोर का नाम डालना उसको रिप्लेस करके, और वहाँ पे आप आपका ईमेल डालना, वहाँ पे आपका नंबर डालना, और वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस डालना रिप्लेस करके. जो जो रेट है वही चीज़ आपको चेंज करनी है, बाकी आप सेम रख सकते हो, ठीक है. तो अभी पहले कॉन्टैक्ट अस हम डालने वाले हैं, तो सेकंड कॉन्टैक्ट अस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया कॉन्टैक्ट अस का पेज तैयार. इसका SEO भी बन चुका है, ठीक है. कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी हो चुका है. फिर ऐसे ही आपको अदर पेजेस भी डालने हैं. मैं मेरा स्पेस कॉपी कर लेता हूँ. ऐड पेज करना है, अबाउट अस डालना है, ठीक है. पेज हो गया, पेज यहाँ पे है, यहाँ पे इसको पेज ही रहने देना. अभी सारी चीज़ों को पेज ही रहने देना, अभी अपने को पेज डॉट कॉन्टैक्ट नहीं करना है. अभी अबाउट अस डालना है तो अपन यहाँ पे जाएंगे, ये सारा कॉपी करेंगे, ठीक है. और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये भी हो चुका है पेस्ट, ठीक है. अभी सेम वे अपने को FAQs का भी पेज डालना है. ये तो आपको समझ गया होगा क्या पेज है. FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का पेज होता है, ठीक है. तो FAQs का अपन डालेंगे यहाँ पे, किधर क्या FAQs, ठीक है. यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका भी अपन ये ले लेंगे टेम्पलेट पूरा. इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है. ये मैं बंद कर देता हूँ, सारे मैंने डाल दिए हैं.
तो इस तरह से आप ये पेजेस डाल सकते हो, FAQs अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। इसी तरह से आपको और भी पेजेस डालने हैं, जैसे कि रिटर्न पॉलिसी का पेज डालना है, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो मैं ये सारे आपको ये पॉलिसीज के पूरे पेजेस करने वाला हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और जितना रेट दिखेगा उसको आपके स्टोर नेम के साथ में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये मैं अभी डाल देता हूँ और सीधा वीडियो को कट करके मैं नेविगेशन पे चले जाऊँगा। और एक बात रहेगी मेरी कि ट्रैकिंग पेज भी डालना है, लेकिन ट्रैकिंग पेज जो है, ट्रैकिंग पेज अपन शिप रॉकेट में से, जो मैं शिप रॉकेट यूज़ करता हूँ वहाँ से अपन ट्रैकिंग पेज डालने वाले, तो वो बाद के वीडियोस में आएगा। अभी ट्रैकिंग पेज पे अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अभी सिंपल है, मैं वीडियो को कट करूँगा और नेक्स्ट डायरेक्ट नेविगेशन पे जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने सारे पेजेस सेट कर लिए, देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, FAQ तो आपके सामने सेट किए, बाकी ये मैंने ऐसे पेजेस डाल दिए, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के पेजेस डाल दिए, ठीक है। तो रिटर्न एंड रिफंड मतलब जब भी किसी कस्टमर को रिटर्न कराना हो तो उसकी कुछ पॉलिसी होती है वो डाल दिए, प्राइवेसी पॉलिसी मतलब कस्टमर का कुछ जो प्राइवेट डेटा होता है जो अपन लेते हैं वो, उसका कुछ छेड़खानी नहीं होगी, उसका ही यहाँ पे डालते हैं अपन। शिपिंग पॉलिसी मतलब कि शिप करने के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या अपने पॉलिसीज है वो डालते हैं अपन, और टर्म्स ऑफ सर्विसेज की वेबसाइट पर वो कस्टमर आएगा तो उसके ऑपरेशन के क्या क्या वेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें होती है। उसके बाद में अपन नेविगेशन पे जाएंगे, अभी नेविगेशन सेट करने वाले अपन, ठीक है। नेविगेशन में आपको ऐसे दो चीज़ें दिखेंगी, फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे फुटर मेन्यू, फुटर मतलब मैंने क्या बताया था आपको, फुटर मतलब नीचे का सेक्शन वेबसाइट का, तो फुटर मेन्यू अपने को चेंज करना है। इसको अपन सबसे पहले नाम देने वाले हैं फुटर मेन्यू को, यूजफुल लिंक्स, ठीक है। तो ये कस्टमर के लिए यूजफुल लिंक्स रहेंगे, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये करने वाले इसको चेंज, अबाउट अस यहाँ पे नाम देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे अपन दूसरे पेज पे, अबाउट अस के पेज पे, ठीक है, अबाउट अस वाले पेज पे इसको अप्लाई इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। सेम वे आपको अभी डिफरेंट यहाँ पे मेन्यू आइटम डालने हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अपने को सारे पॉलिसीज डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डालेंगे सबसे पहले रिटर्न पॉलिसी, जो कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ठीक है। वापस से लिंक पे पेजेस पे अपन ने रिफंड एंड रिटर्न की बनाई हुई थी, ये वाली है रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी, इसको ऐड कर देंगे। फिर ऐड न्यू आइटम करेंगे, यहाँ पे अपन डालेंगे अभी कौन सी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद में शिपिंग पॉलिसी डालेंगे, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी को पेजेस में से वापस से ले लेंगे अपन, शिपिंग पॉलिसी अपन ने पेजेस बना के रखे थे उसमें से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में डालेंगे अपन प्राइवेसी पॉलिसी, पेजेस में से जाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में अपन डालेंगे टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, पेजेस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अपना बन गया फुटर, इसको सेव कर देना, हर एक बार चीज़ को सेव करना है, ठीक है। उसके बाद में नेविगेशंस में जाएंगे वापस से, अब अपना यूजफुल लिंक्स नीचे का सेट हो चुका है, अभी अपने को करना है सेट मेन मेन्यू, ठीक है। तो अभी अपन करेंगे यहाँ पे मेन मेन्यू को सेट। मेन मेन्यू मतलब जो आपके हेडर पे जो सेक्शन रहने वाला है, जो वेबसाइट का जो ऊपर होता है वहाँ पे आपको सब दिखता है, वो उसको अपन सेट करने वाले। एक सेकंड में आपको हेडर बता देता हूँ एक बार क्या होता है। तो थीम्स में से अपन कस्टमाइज के ओपन लिंक न्यू टैब करेंगे, वापस से मैं नेविगेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे मेन मेन्यू खुल जाता है। तो जैसे फुटर में अपन ने अभी वो बनाया, यूजफुल लिंक्स बनाया, तो वो कहाँ पे जाने वाले बताते हैं मैं आपको, सेकंड इसे खुलने दीजिए सिर्फ, ठीक है। तो ये नीचे यहाँ पे यूजफुल लिंक्स, ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, ये कैसे डालना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यूजफुल लिंक्स आपको यहाँ पे डाल चुके हैं अपन ने, और यहाँ पे अपने को यहाँ पे अभी अपना मेन मेन्यू, ये हेडर चीज़ होती है, तो यहाँ पे अपने को अभी हेडर अपन बना रहे हैं मेन मेन्यू, ठीक है। तो इसको अपन अभी यहाँ पे, तो पहले तो अपने को होम ही रहने देना है, जैसे मैं होम रखता हूँ, ठीक है। सेकंड इसको एडिट करना है, कैटलॉग को अपन यहाँ पे देंगे शॉप, ठीक है। शॉप के बाद में अपन इसको करने वाले हैं यहाँ पे कलेक्शंस में से ऑल कलेक्शन सेट करने वाले हैं। अब ये कलेक्शंस कैसे बनाएं, जैसे बेस्ट सेलर का कलेक्शन, न्यू अराइवल्स का कलेक्शन, या फिर डिफरेंट कलेक्शन, जैसे फैशन एसेसरीज का कलेक्शन और शूज़ का कलेक्शन, ये वो कैसे कलेक्शन बनाने, तो प्रोडक्ट्स में से कलेक्शन में बनता है वो मैं नेक्स्ट बाद में किसी भी वीडियो में बताऊँगा कि कैसे बनाना है। तो अभी फिलहाल इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे शॉप हो चुका है, अब इसके बाद में अपने को डालना है अबाउट अस, यहाँ पे अबाउट डालना है, अबाउट अस का डालना है वापस से। यहाँ पे पेजेस में से अपन वही अपना पेजेस जो बनाया था अबाउट अस का अपन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के पेज पे जाएगा। फिर अपने को डालना है यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का एक डालना है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में से अपन यहाँ पे एक सेकेंड,
कस्टमर सपोर्ट में अपने को यहाँ पे लिंक फ़िलहाल इनको दे देना है सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन और एक डालेंगे आवर पॉलिसीज, ठीक है। और आवर पॉलिसीज में से पेजेस जो मेन पॉलिसी होता है लोगों की होता है रिटर्न एंड रिफंड, तो ये पॉलिसी दे देंगे, उसको ऐड कर देंगे। अभी अपने को यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के अंदर और तीन सेक्शंस डालने हैं, तो वो कैसे डालने हैं? सबसे पहले सेम है अपना ऐड मेन्यू आइटम करेंगे अपन। तीन सेक्शंस कौन से डालने हैं अपने को? तो यहाँ पे अपने को डालने हैं कस्टमर सपोर्ट में, हाँ, कॉन्टैक्ट अस का वापस से डालना है, तो कॉन्टैक्ट अस का मैं पेज ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। फिर अपने को डालना है ट्रैक, ट्रैक यूअर, नहीं ट्रैक का भी नहीं डालते, ट्रैक का तो अपन बाद में डालने वाले, सॉरी, लेकिन ट्रैकिंग का पेज अपने को इसमें ही डालना है, ठीक है, कस्टमर सर्विस कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है। अभी अपन डालने वाले FAQs, ठीक है, FAQs का अपन ने पेज बनाया हुआ था, ये हो गया ऐड, ठीक है। अभी अपने को ये जो अपन ने कॉन्टैक्ट अस और FAQs का पेज बनाया है, ये होम लाइन में, अभी जैसे ये यहाँ पे देखिए होम के लाइन में अगर से ये सारी चीज़ें आ जाए, होम शॉप अबाउट अस कस्टमर सपोर्ट, ये ऐसे लंबे लंबे, इतने बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, उसको अपने को छोटा करना है। तो सिंपल है, कॉन्टैक्ट अस को उठाएंगे, ये इसके नीचे लेके जाएंगे अपने इसको कस्टमर सपोर्ट के अंदर, तो अभी वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, वो किस तरह से होगा मैं बताता हूँ आपको। वापस से इसको लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे और इसको, ठीक है। और ये कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ, सेव करेंगे यहाँ पर, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ आपको दिख जाएगा, सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ डाली हेडर में, होम शॉप अबाउट अस और एक कस्टमर सपोर्ट के अंदर ये दो चीज़ें और FAQs, तो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई भी क्लिक करेंगे तो उसको ये अंदर के दो चीज़ें और खुल जाएंगी। यहाँ पे अगर से अपन कॉन्टैक्ट अस और पॉलिसी से लंबा डालते थे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जाती है और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता कस्टमर को, ठीक है। तो अभी सिंपल है कि ऐसा हो गया, वैसे ही अपने को और एक चीज़ डालनी है यहाँ पे, जो कि है पॉलिसीज, पॉलिसीज भी आपको देने होंगे, आवर पॉलिसीज, ठीक है। आवर पॉलिसीज में अपन सबसे पहले उसको रिडायरेक्ट वहाँ पर ही करेंगे, एक सेकेंड, क्या होता है आवर पॉलिसीज, सॉरी मैंने इसको, सॉरी इसको नहीं खींचना है अपने को यहाँ पे, इसको अपने को नीचे रहने देना है, अपने को FAQs को यहाँ पे डालना है, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, FAQs को डालना है। फिर आवर पॉलिसीज में अपन अभी अपने चारों पॉलिसीज डालने वाले हैं, तो अपनी चारों पॉलिसीज क्या क्या है, रिटर्न एंड रिफंड वाली है, ठीक है। पेजेस में जाएंगे, सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंड ही डालना है, वो कस्टमर्स का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि है या नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद में शिपिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, शिपिंग पॉलिसी डालेंगे, पेजेस में से अपन शिपिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन डालेंगे कौन सा, प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी डालेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को पेजेस सिलेक्ट करेंगे जो अपन ने बनाया था। उसके बाद में अपन ऐड कर देंगे इसको और डालेंगे अभी अपना टर्म्स, जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज भी है, तो उसको भी अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पेजेस ऐड हो गए। अभी अपने को ये चारों पेजेस को इसके अंदर ड्रॉप डाउन में डालना है, तो सिंपल इसको उठाएंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे, इसको उठाएंगे यहाँ पे इसको डाल देंगे, इसको उठाएंगे यहाँ पे इसको डाल देंगे, और इसको उठाएंगे यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है सेफ। अब तो अभी जिसको पता नहीं कि ये कैसे यहाँ पे पहुँच गया वहाँ से, तो वो बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे फुटर में है अपन, तो फुटर में से यूज़फुल लिंक्स में जाना है, और यहाँ से आपको आपका जो भी ये है, जैसे मैं चेंज करूँगा तो यहाँ से आपका मेन्यू चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कस्टमर सर्विस, मेन मेन्यू और यूज़फुल लिंक्स, तो अपने को यहाँ पे यूज़फुल लिंक डालना था, अपन यूज़फुल लिंक्स को सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट कर दिया और हो चुका। वैसे ही अपने को अभी ऊपर डालना था मेन मेन्यू, अपन वहाँ पे हेडर में गए, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे ये मेन्यू था, चेंज यहाँ से चेंज किया, यहाँ से अपन ने मेन मेन्यू सिलेक्ट किया, ठीक है। ये मेरे थीम्स में ऑलरेडी सेट है ये, इसलिए आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है सारी चीज़ें। ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो इसको अपने को एक काम, ये ऐसा नीचे ऊपर नीचे हो रहा है तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो अपने को एक काम करना होगा, इसके लिए मेन मेन्यू में जाना है, ऐसा ऊपर नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो इसको एडिट करना है और इसको सिर्फ पॉलिसीज नाम देना है, ठीक है। अप्लाई चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे, तो अभी देखिए जो ऊपर नीचे ये वापस से ऐसा लाइन में आ जाएगा, देखिए अभी आने को तो हो ना,
ठीक है, देखिए अब ये काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, आपका हेडर देखिए, कस्टमर सपोर्ट में कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे ट्रैकिंग का भी पेज आने वाला है। तो ट्रैकिंग, FAQs, पॉलिसीज में आपका सारा पॉलिसीज आ चुके हैं। मोबाइल भी अगर से हम देखें तो मोबाइल में भी सेम हो चुका है। ठीक है, शॉप अबाउट अस, तो ये इससे काफ़ी ट्रस्टेबल लगती है वेबसाइट अगर से आप इस तरह से सेट करो तो पेजेस को। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इसमें मैंने पूरा बता दिया पेजेस एंड नेविगेशन। अगर से आपने कुछ पार्ट छोड़ दिया हो तो प्लीज़ वीडियो को वापस से देखो, और अगर से आप नए हो तो वापस से एपिसोड 1 पे जाओ, इंडियन ईकॉम का पूरा प्लेलिस्ट देखो। आपको ये चीज़ें सीखने के लिए टाइम लगेगा, एक एक वीडियो अच्छे से देखो और आपको सारी चीज़ें समझना है और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अभी हमारा ऑलमोस्ट वेबसाइट हो चुका है सेट। मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आपको वेबसाइट सेट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ प्रोडक्ट रिसर्च एंड सप्लायर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेने वाली है। मैं मेरे एक ड्रॉप शिपर का भी आपको नंबर वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का भी बेल बटन दबा दीजिए, और बस चैनल के साथ बने रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।